हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जो खूबसूरत नज़ारा आपको सामने दिख रहा है, यह है रिज का और यह है शिमला का रिज। तो शिमला में वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी शानदार जगहें हैं, बट अगर आप शिमला में एक फूडी हैं तो मैं आपको बता दूं, वो होती है ना यार ऑथेंटिक सी प्लेसेस फूड की, जो मतलब 30-30, 40-40 साल से वहाँ पे फूड वैसा बन रहा है और वही एक डिश बन रही है और वही बिकती जा रही है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस और फेमस है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूँ, जो जगह पड़ती है लक्कड़ बाज़ार में और जिसका नाम है सीताराम कुलचे वाला। अगर आपने वो जगह पर चना कुलचा नहीं खाया तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार, मस्ट है, क्योंकि मैं तब से वहाँ पे चना कुलचा खा रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था और जब उनके फादर बनाया करते थे। खैर, अब फादर तो नहीं है बट उनके बच्चे हैं जो वो सेम चीज़ है वो आगे कर रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और आप भीड़ देखेंगे वहाँ की तो आप हैरान रह जाएंगे। तो अभी तो मैं टका बेंच पे हूँ, तो अगर आपको गोलगप्पे पापड़ी चाट खानी है तो आप यहाँ टका बेंच पे बैठ सकते हैं, जहाँ बैठने का अंग्रेज़ एक टका लिया करते थे। तो खैर, अब टका तो नहीं लगता है यहाँ पे बैठने का, अब आप कोई भी आ सकता है। बट इसी के साथ में बिल्कुल नज़दीक में लक्कड़ बाज़ार पड़ता है। वहाँ लक्कड़ बाज़ार बेसिकली अपनी लकड़ी की आइटम्स के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, कभी कभी यहाँ लकड़ी की टॉयज़ और काफ़ी कुछ बना करता था। तो अब वो सब तो थोड़ा कम हो चुका है, बट अभी भी आपको लकड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। रोलर स्केटिंग रिंक है, पर बिल्कुल सामने अगर आपको एक दुकान, एक जगह जो मतलब मेन अट्रैक्शन जो आपको खींचेगी अपनी तरफ, वहाँ का रश देख के ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस बिल्कुल साथ में ही आपको दुकान का नाम नज़र आएगा, सीताराम। तो ये देखो जी, सामने एंजॉय कर रहे हैं लोग अपने छोले कुलचे और आलू की टिक्की। इनकी डिशेस बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, ये दो ही डिशेस बनाते हैं और कई सालों से यहीं बनाते आ रहे हैं। और इतना ही रश होता है, और बता दूं आपको, ये रश आप ठीक 4, 4:30, 5 बजे तक देखेंगे। 5 बजे के बाद सब वाइंड अप हो जाएगा, यहाँ आपको कोई नहीं दिखने वाला। तो इस अच्छे खासे रश को देखने के बाद आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि ये जगह कितनी पॉपुलर है, यहाँ का जो छोले कुलचे हैं, टिक्की है, वो कितनी ज़्यादा फेमस है। तो आप भी जब यहाँ पे ये चीज़ खाएंगे तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिलीशियस है और यही टेस्ट बरकरार रखा है इन्होंने कई सालों से। सो मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप शिमला आते हैं एक बार सीताराम एंड सन्स के पास विजिट ज़रूर करें। तो यार मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ऐसा बोला गया है कि 10 मिनट तक पैकिंग होती रहेगी, अभी सिर्फ 10 मिनट बाद मिलेगा मुझे। तो 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा मुझे यहाँ पे फिलहाल, अभी 10 मिनट बाद, तब तक वेटिंग। अभी लाइन देख लो आप, कितना है, रश देख लो कितना है, उस हिसाब से लगाओ अंदाज़ा। लाइन लगी हुई एक बार को आपको ऐसा लग सकता है कि फ्री तो नहीं बट रहे हो गए यहाँ पे, अभी अच्छा खासा रश है यहाँ पे, तो आज खा के जाएंगे। मेरी बारी आ गई है, फाइनली मेरी बारी आ गई है। तो बड़े टाइम बाद मैं यहाँ खा रहा हूँ, रश देख लो बॉस आप, हिसाब कोई नहीं है, ये देखो। आने वाला है मेरा सिंगल एग, सिंगल, थैंक यू। हाँ, आ गया मेरा सिंगल, फाइनली फाइनली 10-15 मिनट वेट करने के बाद बारी आ गई है। भाई यहाँ पे कुलचे खाना ना लिटरली एक टास्क था मेरे लिए, जो मैंने कंप्लीट कर लिया। 10-15 मिनट लग गए तब जाके ऑर्डर आया, अच्छे थे। अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो चटपटे से हैं पर अच्छे, अच्छा लगेगा आपको खा के। चलिए जी, फिर ये था एक छोटा सा मिनी व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस जगह है ये। तो मैं इसी तरह के छोटे छोटे और भी कई फेमस जगह हैं शिमला में, जो आपको छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों तक पहुँचाइए। और इंस्टाग्राम आईडी है @_शिमला, कोई भी सवाल है आप मुझे उस पर पिंग कर सकते हैं, मैं उस पर आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जवाब देने की। सो अभी के लिए लक्कड़ बाज़ार से सी ऑफ, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। Thank you.